ये पता नहीं किस तरह के हिजड़े हम लोगों ने पैदा कर लिए, जिन लोगों को अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए रोज जो है 6 हवाई फायर करके बताना पड़ता है कि मैं मर्द पैदा हुआ हूँ। वही चौक है जहाँ पे बच्चा अपनी वालदा की गोद में था। अच्छा, तो बाद में एकदम बस हल्ला गुल्ला सा हुआ, वो बाजी के हाथ में खून ही खून हो गया। आइए नीचे से पता कुछ नहीं, पहले कभी इधर कोई इस तरह का वाकया हुआ, को अंधी गोली आ गई हो? नहीं, आज तक कभी जिंदगी में हुआ ही कुछ नहीं, ये पहली बार हुआ है। काफी क्या हुआ था बच्चे को, उन्होंने क्या बताया? कुछ नहीं, बच्चे ठीक है, बच्चा चीखे मार रहा था इधर। फिर उसके बाद 10:30-11 बजे के करीब पता चला। नाज़रीन, हम इस वक्त जाए वो कुआ पे मौजूद हैं। ये वही चौक है जहाँ पे बच्चा अपनी वालदा की गोद में था और एक अंधी गोली आके उसके सर पे लगी। ये अगर आप ये जगह देख रहे हैं जहाँ पे ये पानी खड़ा है, ये एग्जैक्टली वही स्पॉट है जहाँ पे वो बाइक खड़ी हुई थी और बच्चा अपनी वालदा की गोद में मौजूद था। और वो साहब बता रहे कि हम यहाँ पे कुछ गेस्ट आए थे, तो उनसे कोई उनके लिए को फलूदा वगैरह लेने आए थे। ये दुकान वाले मौजूद हैं, ये ऐनी शाहिद भी हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं कि क्या मामला हुआ, किस तरह से वाकया पेश आया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप, खैरियत से? हाँ जी, शुक्र अल्लाह। अच्छा भजन, वो यहीं पे वाकया पेश आया, वो जो बच्चे के जो है सर पे गोली लगी? जी बिल्कुल, इधर ही सामने आया ये वाकया। वो क्या हुआ, क्या था? पता नहीं जी, वो बच्चा बाजी के पास मौजूद थे जी, आप ऐनी शाहिद हैं वाकये के? ठीक है, वो बाजी के पास बच्चा था, वो भैया आए फलूदों की पर्ची ली है, वो अंदर गए हैं, वो टेक लगा ली बच्चे ने कंधे के साथ। अच्छा, तो बाद में एकदम बस हल्ला गुल्ला सा हुआ, वो बाजी के हाथ में खून ही खून हो गया। वो निकले हैं, उस जो उसके डैडी थे वो हॉस्पिटल के सामने समनाबाद हॉस्पिटल है, वो इधर चले गए 15 मिनट बाद। यहाँ तो एकदम कोहराम मच गया होगा, पता ही नहीं, चीखे मारनी शुरू कर दी होंगी, कुछ किसी चीज़ की समझ नहीं आई किसी को हुआ क्या। मतलब कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप यहाँ पे जिस तरह पैसे काट रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, तो अचानक शोर मच गया? बस शोर मच गया, वो बाजी चीखे मारनी शुरू कर रहे हैं, मतलब कि आप बस बाजी चीखे मारनी शुरू कर दिया, हाथ लाल हो गया उनका खून से। अच्छा, वो भाई जो थे वो भी भाग के निकले, फिर वो हॉस्पिटल चले गए। आप खुद परेशान हो गए होंगे, हुआ क्या? हमने सोचा कोई चीज़ लग गई है, कोई ऊपर से आई, नीचे से पता कुछ नहीं, पहले कभी इधर कोई इस तरह का वाकया हुआ, को अंधी गोली आ गई हो? नहीं, आज तक कभी जिंदगी में हुआ ही कुछ नहीं, ये पहली बार हुआ है। तो आप लोग तो खुद परेशान हो गए होंगे यहाँ पे? बिल्कुल, देखे हमारे पास कोई कस्टमर आता है तो वो पता नहीं कहाँ कहाँ से चल के आता है, तो कोई अब ये मसला, तो बच्चे सबसे एक जैसे होते हैं। हाँ, ये जो मसला हुआ ये बड़ा डेंजरस है। तो कितना यहाँ पे कोई चीज़ नहीं, इधर ब्लड कोई चीज़ नहीं, सिर्फ वो बाजी के हाथ में था, वो जो उनके कंधे पे साथ लगाया हुआ था, और वो एकदम चीखे मारनी शुरू कर दी। बंदा भी पैनिक कर गया होगा बिल्कुल, वो उस वक्त सब कुछ छोड़ के वो चला गया हॉस्पिटल। हॉस्पिटल क्या है यहाँ? ये बिल्कुल बिल्डिंग के पीछे है, ये सामने बिल्कुल करीब ही है, बिल्कुल करीब है। यार इन्होंने क्या किया, उसको गोली लगी हुई है, उस बच्चे को पट्टी करके भिजवा दिया, बस ये हॉस्पिटल की लाइक है जी। और ये 15 मिनट के पहले 15 मिनट से वो आ गए वापस, और वो हाँ इधर ही वापस आए वो मेरे पास, आप दोबारा सामान लेके गए। उन्हें लगा कि बच्चे का सर बड़ा ठीक हो गया, कुछ उन्हें पता ही नहीं था कि इतना सीरियस है, कोई पता नहीं। मतलब कि वो बच्चे की वो करा के फर्स्ट एड करवा के आपके पास दोबारा आए वो लेके गए, पूछा होगा क्या हुआ था, ठीक है? बस वो घबराए हुए थे, जल्दी करें यार, आपने पैक नहीं किया हमारे फलूदे, मैंने कहा यार हो गए अभी 2 मिनट लगेंगे। तो आपने उनसे खैरियत दरियाफ्त की, क्या हुआ था बच्चे को, उन्होंने क्या बताया? कुछ नहीं, बच्चे ठीक है, बच्चा चीखे मार रहा था इधर। फिर उसके बाद 10:30-11 बजे के करीब पता चला बच्चा उस टाइम मतलब रो रहा था, रो रहा था, वो खामोश नहीं था, जाहिर है उसको तकलीफ होगी तो वो रो। और उन्होंने बताया होगा कि मेरे ख्याल डॉक्टर ने बताया कि सर फटा है। हाँ, बस ऐसे कुछ हुआ है, हमारे साथ इतनी बात नहीं हुई उसकी, लेकिन वो घबराए हुए। लेकिन एक इंसान के अंदर अपनी क्यूरियोसिटी होती है जिसमें वो ये देख रहा होता है, सोच रहा होता है कि ये क्या हुआ है। बिल्कुल, ये अब सारी टीमें आई हुई हैं, अंदर गई हुई हैं। अच्छा, यहाँ पे पुलिस ये जो अभी देख रहे हैं, नाली दिखा सकते हैं, SHO जो है वो भी इधर ही, अंदर ही इधर थे सारे। हाँ, मतलब कि ये पहली बार इस तरह हुआ है बस, और ये आप लोगों के लिए भी एक बैड एक्सपीरियंस हो गया। बिल्कुल ऐसे ही लोग, और कहीं से फायर की आवाज आए ना तो पता चलता वो सामने बिल्डिंग के छत से हुआ है, ये कोई हुआ ही नहीं ऐसा सीन ही नहीं। ये मुझे लग रहा है कि वो शायद वापस आ रही थी, ये हो सकता है जैसे बुलेट ऊपर गई नीचे आई तो वापस आई तो वो लगी। और नाज़रीन, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ कि कैसी बात है कि यहाँ तक शेड है, अब वो किस्मत कह लें, वो एक डेस्टिनी कह लें, उस बच्चे के लिए ये मतलब कि हादसा लिखा हुआ था, वालदैन के लिए परेशानी लिखी हुई थी कि वो यहाँ से कोई 2-4-5 फुट दूर खड़े हुए थे। मतलब कि ये देखें, नॉर्मली बाइक यहाँ तक पार्क होती है, उस टाइम ज़रा रश होगा तो वो ज़रा पीछे खड़े होंगे, और वो गोली अब बता रहे हैं कि पता ही नहीं लग सका कि किस साइड से गोली आई है, हुआ क्या है, क्योंकि ना बुलेट की आवाज़ आई है, वो यूँ हुआ कि कहीं से फायर हुई और जब जहाँ पे जाके वो आगे जाना रुकी तो वो ग्रेविटी के साथ नीचे आने लगी, और वो यहाँ पे आके उस बच्चे के सर पे पैवस्त होगी। अच्छा भजन, उस टाइम मेरा ख्याल रश बहुत ज़्यादा होगा,
जाहिर है उस वक्त काम का टाइम था शाम का, हाँ। तो कस्टमर काफी थे, हाँ। एसएचओ साहब भी आ गए, बहुत मतलब कि रश था तो बाइक वो हाँ। पीछे तक पार्क थी, मतलब कि अगर थोड़ी आगे पार्क होती तो ऊपर एक शेड बन जाना, बच जाना था, है ना। ऐसे जो सारे मौके पर मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं क्या मामलात हैं, क्या अपडेट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम आदिल साहब, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? आदिल साहब, ये क्या वाक्या पेश आया? हम उस वाक्य पे प्रोग्राम कर रहे थे और लकीली आप भी मिल गए, तो हमने सोचा कि आपसे भी जाने कि ये कैसे वाक्या पेश आया, क्या ये कोई अंधी गोली थी, हवाई फायर था, हुआ क्या? ये जी इसी तरह ही है, ये कोई अंधी गोली है, इंशाल्लाह इस पर हम वर्किंग कर रहे हैं, अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा। कुछ सस्पेक्ट्स हमने पकड़े भी हुए हैं। अच्छा, आपने कुछ इन्वेस्टिगेशन हो रही है? हाँ जी, ठीक है, तो अल्लाह मेहरबानी करेगा इंशाल्लाह। ये अच्छा, वो बता रहे हैं पेरेंट्स के जो गोली है बच्ची के अभी भी जबड़े में पैवस्ता है, वो सर के थ्रू गई, जबड़े पे पैवस्ता है। नॉर्मली गोली की फॉरेंसिक से पता लग जाता है कि कहाँ से फायर हुई, आप लोग किस तरह से ढूंढ रहे हैं? मतलब नहीं, इस तरह नहीं पता चलता, ये भी एक्सपर्ट आए हुए हैं, हमारे लीड से एक्सपर्ट आए हुए हैं, अभी पीएफएसए वाले भी उस दिन आए थे, मजीद हम उनकी जो और एक्सपर्ट टीम है उसको भी बुलवा रहे हैं, उसके हवाले से हमने जितना इलाका है उसको उस हिसाब से और उस एंगल से सर्च कर रहे हैं। आप लोगों ने भी कुछ अफराद जो हैं जेरे हिरासत रखे हुए हैं जो शक के घेरे में? जी जी जी, कितने अफराद की गिरफ्तारी की? 11 के करीब है हमारे पास लोग, उनसे पूछताछ की जा रही है और उनकी सीडीआर भी ले रहे हैं हम, उनकी पोजीशनें भी चेक कर रहे हैं उस हिसाब से, और ये भी चेक कर रहे हैं कि क्या उस साइड से उस दिन उन्होंने कोई इस तरह की कोई फायरिंग की है। और जहाँ तक गोली की बात है वो जाहिर है वो डॉक्टर्स उसके बारे में बेहतर बता सकते हैं कि वो कब उन्होंने निकाला। अच्छा, सर आपके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाते हुए, एक तो गोली हवाई फायर हुई तो ऊपर जा रही है, क्या जब वो वापस आ रही होती है तो तब भी वो बहुत ख़तरनाक है, संगीन है? जी बिल्कुल संगीन है, इस तरह के बेशुमार वाकयात हैं कि गोली जब ऊपर गई है, ऊपर जाकर जिस वेलोसिटी से नीचे आई है तो आके लगी है उसने, वो भी जानलेवा साबित हो सकती है, जानलेवा हो सकती है। मतलब कि सर ये मैं आपसे इसीलिए तो हवाई फायरिंग को मना किया गया है, इसीलिए तो इसके ऊपर जो है इसको जुर्म बनाया गया है, इसी के लिए वजह से तो इसके ऊपर हम कार्रवाई करते हैं। सर ये क्या मसला है, हम क्यों अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए क्यों हम हर ईद शबरात पे कोई गेम कोई बहुत अच्छी, कोई पाकिस्तान विन कर जाए, कोई मैच बहुत अच्छा हो जाए, क्यों हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है अपनी मर्दानगी के लिए दिखाने के लिए कि हवाई फायर करने की, क्यों हम लोग ये नहीं समझ पा रहे कि ये कितनी खतरनाक है? बात पता क्या है, ये बेहिसी है, सिर्फ बेहिसी है कि जिसके पास कोई दो पैसे आ जाते हैं कोई एक पिस्टल ले लेता है और वो समझता है अपने आप को कि मैं कोई बहुत बड़ा आदमी हूँ या बहुत बड़ा कोई बदमाश हूँ। ये शर्म करनी चाहिए, अगर कुछ करना भी है, अगर आपने पिस्टल टेस्ट करना है, कुछ चीज़ टेस्ट करनी है, कुछ जाएँ किसी साइड पर बाहर निकल जाएँ, खेतों में चले जाएँ, उधर जाकर ज़मीन पर जाकर चेक कर लें जो भी करना है। सर लेकिन थाने की दूत में जितना भी इलाका है आपको पता नहीं होना चाहिए कि किसके पास पिस्टल है, किसके पास लाइसेंस है, किसने इलीगल रखा हुआ है? जी बिल्कुल, इसमें देखें इलीगल का अगर पता हो तो हम किधर छोड़ते हैं उसे, बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता, हम उसको नहीं छोड़ते। जहाँ तक लाइसेंसी पिस्टल हैं वो ऑलमोस्ट हमारे पास रजिस्टर 17 होता है जिसके में अंदराज होते हैं वगैरह। अच्छा? हमारे पास अंदराज अब तो नादरा का डायरेक्ट हो गया, वो तो हम वहाँ से भी निकल आता है कि किसके। ये इकदामे कत्ल जी बिल्कुल, इकदामे कत्ल में ही मुकदमा दर्ज हुआ है। अभी आप बेहिसी की आप हालत देख लें कि जो पतंगबाजी है कितना उसके ऊपर क्रैकडाउन होता है, कितना हाँ। उस पर क्रैकडाउन होता है, लेकिन फैसलाबाद में बच्चे की गर्दन काट गई, उसके बावजूद भी ये लोग बाज आते हैं, नहीं ना बाज सर क्या करें फिर हम? ये बेशर्मी है, ये बेशर्मी है, देखें ये बेशर्मी है, ये हम सारे जिम्मेदार हैं इसके, हमें पता होता है कि ये कौन सा बंदा ये किधर जाकर सबको पता होता है, मेरे कज़न आपके कज़न सबको पता है ये कज़न कौन सा हरामी है जो पतंगबाजियाँ करता है, गाड़ियों में रखी हुई है सारा कुछ, सब जाते हैं मज़े से, लेकिन वो उनको ये होता है कि शायद हमारी डोर से ये नहीं कटेगा, ये हमारे फायर से कुछ नहीं होगा, अल्टीमेटली जो फायर हवा में गया है उसने नीचे आना है, कहीं ना कहीं जाके तो हिट होना है ना, कहीं नीचे आना है तो कोई ना कोई अहले मोहल्ला को पता भी होता है कि यहाँ पे ये शैतान आदमी है लेकिन नहीं बताते। बस यही वजह ना, आपको पता है हमारा सिस्टम है उसमें फिर थोड़ी सी यही, हर बंदा मतलब इतनी जोगा होता नहीं है कि एक बात कर दे, जिसके पास पिस्टल हो उसके पहले तो पिस्टल से ही डर रहे होते हैं सारे कि ये कहीं वो हमारे ना सर पड़े, बस यही बात है। चले बहुत शुक्रिया डीएसपी साहब, मौके पे हमें मिल गए थे, हम इस वक्त जाए वकुआ पे मौजूद थे।